नमस्कार अपनारा देखछेन न्यूज निर्भीक यूट्यूब चैनल और महाराष्ट्रेर श्रमिकदेर प्ररोचित करार अभियोगे ग्रेप्तार हुआ बिनय दुबेर जेल थेके छाड़ा पावार खबर निये उपस्थित आमी शरण सुंदर दास। जेल थेके छाड़ा पेई बिनय दुबे आबार एक हाथ निलेन गदी मीडिया एवं बीजेपीर अंधभक्तदेर। देखुन सेई जेल थेके मुक्ति पावार पर प्रथम फेसबुक लाइव बिनय दुबेर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तो, सुधरे कि बिगड़े ही हुए हो? आज भी चौकीदार हो या फिर डॉक्टर इंजीनियर बन गए? अरे अरे, मैं भी भूल जाता हूँ यार, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ऊपर जो खोपड़ी है ना उसके अंदर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और गोबर तो गोबर, सॉरी, गटर तो गटर। मैं विनय दुबे मुंबई से। आप लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए आप लोगों ने जिस तरह से प्रार्थनाएं की, पूरे देश से, पूरे विश्व से जिस तरह से मेरे लिए कामना की गई, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार मानता हूँ। यही कारण है कि आज मैं बाहर हूँ और वापस से अपने जो लोग हैं, जो मजबूर हैं, उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत सारी अफवाहें इस बीच उड़ी थी, सारे लोगों ने एक तरह से ये अंधभक्तों ने एक तरह से एक पूरा माहौल बना लिया था कि 3-4 साल के लिए कम से कम विनय दुबे गया या रासुका में वो अंदर गया। लेकिन क्या होता है ना, ये अंधभक्तों के ऊपर का जो खाला माला है ना वो खाली है, उनको समझ में नहीं आता ये जो देश है ना ये कानून से चलता है, ये जो देश है ये संविधान से चलता है, इनके बकचोदी से नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पे लागू ही। और मुझे बाहर आने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इन्हीं अंधभक्तों का है। मेरी जिस तरह से मुझे ये सोशल मीडिया पे टारगेट करते थे उसको लेके एक तरह से मेरा उनका जो बैर चल रहा है पिछले सालों से, मैंने कम से कम साल के 365 दिन मैं लेता हूँ इनकी तबीयत से लेता हूँ। और यही चीज़ कोर्ट में साबित करने के लिए मुझे एक बोलते हैं ना एक सबूत की ज़रूरत थी, जो इन्होंने मुसलमान वाला फ़ोटो वायरल कर दिया, बाद में वो जो फैक्ट में निकला कि वो गलत है, उस आधार पे मेरी ये बात साबित हो गई और मैं आज आज़ाद हूँ। ज़मानत मिली है, मामला की जांच चल रही है, मुंबई पुलिस की सबसे बेस्ट टीम इसकी जांच कर रही है, पूरे भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं इसकी जाँच कर रही है और इसमें बहुत जल्द इसकी क्लोज़र रिपोर्ट आएगी, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अदालत में एक आश्चर्यजनक, एक अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा अगले कुछ दिनों में इस मामले को लेके, और आप लोग इसको देखेंगे। दूसरा, जिस तरह से ये चीज़ें चलाई जा रही थी कि वहाँ पे विनय दुबे के साथ मारपीट हुई, पुलिस ने बहुत सुझाया, उनको कहना चाहता हूँ ये मुंबई पुलिस है, ये कितनी बेहतरीन स्टाफ है, पुलिस होती है जो मानवीयता के आधार पर काम करती है, जो एक बोलते हैं ना इंसानियत के हिसाब से काम करती है। और ये जो बोलते हैं ना कि दो कौड़ी के जो अंधभक्त हैं ना उनके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पे मेरे साथ सलूक किया गया वो एकदम बेहतरीन था। और मुझे धन्य हूँ कि मुझे ऐसी पुलिस टीम के साथ में जाँच करने का, मुझे मेरी जाँच होने का मौका मिला है, जो महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे बेहतरीन अधिकारी हैं। और मुझे पता है उनकी जाँच में कल को भविष्य में जो भी चीज़ें आएंगी मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उस समय अदालत की तरफ से एक बेहतरीन फैसला आएगा और ये आप सबके सामने होगा। मैं ये लाइव आने का कारण था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सारे फेसबुक अकाउंट डिलीट्स कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। एक मैंने नया पेज बनाया है जो कि द विनय दुबे के नाम से है, जिस पर मैं लाइव हूँ फ़िलहाल में, आप उस पर जुड़ें। और जिस तरह से आप लोगों ने पूरे देश से प्यार और स्नेह दिया था वैसा ही प्यार और स्नेह इस पेज पर आप जुड़ के आप लोगों तक मेरी बात पहुँचाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, जिस तरह से माहौल बनाया गया, टीवी डिबेट चलाए गए, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का गर्व है कि शायद मेरे जेल जाने के बाद, जिस दिन मैं जेल गया उसके तुरंत बाद पूरे देश में मज़दूरों को जो भुखमरी थी, मज़दूरों को लेके जो एक बोलते हैं ना कि अनदेखापन था, वो लोगों की नज़र में आया। और पुलिस ने ये माना है कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ पूरे भारत में जिन्होंने मज़दूरों को लेके इस तरह का मूवमेंट, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की उनकी आवाज़ उठाने का जो मैंने प्रयास किया
जिसका रिजल्ट था कि मुझे जेल हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं इन मजदूरों को, महाराष्ट्र हो चाहे दूसरे राज्य हो, उनको रोज़ भोजन और राशन मिलना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे एक संतुष्टि थी कि भले मैं जेल हूँ लेकिन उसकी वजह से आज मेरे लाखों हज़ारों जो मजदूर भाई हैं उनके पेट में दो वक्त का निवाला जा रहा है। उसके साथ में ही मैंने जो मुद्दे उठाए थे, लोग मुझे अंडभक्त बोलते हैं कि तेरी क्या औकात है, विनय दुबे कौन है, क्या कर सकता है, तेरे को कौन जानता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विनय दुबे वो व्यक्ति है जिसके नाम के लिए पूरे भारत की सभी भाषाओं में 24-24 घंटे लगातार 3-3, 4-4 दिनों तक न्यूज़ चली है। विनय दुबे की वो औकात है। सोशल मीडिया पे लगातार 3 दिनों तक ट्रेंड हुआ हूँ, ट्विटर वगैरह पे टॉप ट्रेंडिंग में मैं रहा हूँ। विनय दुबे की औकात वो है। लगभग जिस तरह से पूरे देश के मजदूरों में एक जो उम्मीद जगी, वो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे साउथ में फंसा हुआ एक मजदूर हो, उसको एक आस जगी कि विनय दुबे नाम का लड़के ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारे लिए जेल गया, और उसके बाद जो उनकी जो दुआएं चालू हुई हैं मेरे लिए, पूरे देश से लाखों की संख्या में व्हाट्सएप मैसेजेस आए, लाखों की संख्या में, और सभी ने दुआएं की कि आप सुरक्षित बाहर आ जाएं। आपने उन गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाई है जिसको कोई नहीं देख रहा था, आज शायद आपकी वजह से उनको निवाले मिल रहे हैं, उनके पेट में भोजन जा रहा है, और ये सबसे बड़ी एक संतोषजनक बात थी मेरे लिए। और ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी कि मेरे जेल जाने के 5 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार, इतनी ताकतवर सरकार, उसको ये बात मानना पड़ा कि हमें मजदूरों के लिए काम करना पड़ेगा, मजदूरों को अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच पहुँचाना पड़ेगा, और उन्होंने बस और ट्रेनें चलाने की जो प्रक्रिया थी उस पर काम करना शुरू किया। और आज नतीजा ये है कि 13 दिन बाद जब मैं जेल से छूटा 28 तारीख को, और उसके बाद से ट्रेनें चालू हो गई, लोग श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन एक दुखद पहलू ये भी है कि जिन मजदूरों ने देश के अर्थव्यवस्था को एक नंबर बनाया, आज उन्हीं मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, टिकटों के नाम पे 700-700 रुपए का चार्जेस लिया जा रहा है, जो बहुत ही दुखद है। अगर इनके पास पैसे होते तो फिर ये क्यों परेशान होते। 700 रुपए का टिकट एक मजदूर से, वो भी इस परिस्थिति में जब भुखमरी लॉकडाउन की वजह से उनके पास खाने के पैसे नहीं है, ये एक सरकार का अमानवीय चेहरा है। और इस पर मैं बोलता रहूँगा क्योंकि जो चीज़ें गलत हैं वो हमेशा मेरे तरफ से उसका विरोध होता रहेगा। जेल वगैरह, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कहा मुझे कि विनय तू परेशान मत हो, ये जो पिंजरा होता है ना, पिंजरा जेल जो होती है ना, जेल ये शेरों के लिए होती है। कभी तूने देखा है क्या कुत्तों को पिंजरे में रखते हुए? तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत मुझे मिलती थी कि शायद मैंने, और ये लगभग सभी को पता था कि मैं कोई गलत काम करके नहीं आया हूँ जेल में, मैंने उन मजदूरों की आवाज़ उठाई, खास करके उन उत्तर भारतीय लोगों की आवाज़ उठाई जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। और आज उसी का फल है कि आज वो अपने ट्रेनों में बैठ के घर जा रहे हैं, और एक उनके चेहरे पे जो मुस्कान है, उसमें जो एक आशीर्वाद निकलता है, वो विनय दुबे के पास पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे मैसेजेस आए कि विनय जी अगर आप जेल नहीं गए होते तो शायद आज जो सरकारें ये बस और ट्रेन के बारे में बात कर रही है तो शायद ये नहीं हो पाता। मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई, इसका मुझे एक संतुष्टि है और मुझे एक गर्व है इस चीज़ का कि मेरे जेल जाने की वजह से आज लाखों की संख्या में, आज करोड़ों की संख्या में जो परिवार एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, एक पिता अपने बच्चों से बिछड़ा हुआ है, एक बाप अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ है, पिता अपने पुत्र से बिछड़ा हुआ है, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, अगले कुछ दिनों में वो अपने परिवार के बीच होगा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। लेकिन अंडभक्तों के नसीब में ना खुशी है ही नहीं। जब से ये 2014 से सरकार आई है, बेचारे हमेशा रोते हैं। 365 दिन मैं लेता हूँ अंधभक्तों की तबीयत से लेता हूँ, और मैं उसी के लिए कुख्यात हूँ, विख्यात नहीं बोल सकते, कुख्यात हूँ कि मैं तबीयत से अंधभक्तों की लेता हूँ। मेरे जेल जाने के बाद 13 दिन तक ये अंधभक्त तांडव मचाते रहे अपने हिसाब से, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए, मेरे को एक ही तसल्ली नहीं, इतनी करोड़ों की संख्या में अंधभक्त हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ कर क्यों नहीं पाए। जिस तरह से मुहिम चलाई थी कि मुझ पे गंभीर धाराएं हैं, वाकई गंभीर धाराएं थी मुझ पे ऐसी धाराएं थी कि जिसमें जमानत नहीं हो पाती थी, लेकिन मैंने ये साबित करने की कोशिश की
कि मेरी ये जो बैर है, मेरी जो लड़ाई है, सोशल मीडिया पे गाली गलौज, माँ बहन की गाली गलौज करने वाले, महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने वाले उन अंधभक्तों, केवल उन अंधभक्तों के साथ में है जो ये गाली गलौज करते हैं। बाकी मुझे किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी से मतलब नहीं है। और ये बात साबित करने के लिए मेरा सबसे बाहर आने का, जो जमानत होने का सबसे बड़ा कारण था, कि ये मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा था। और अचानक से मुझे पता था, मैंने अपने एडवोकेट को कह रखा था कि भाई आप शांति से बैठो, ये अंधभक्त हैं और ज़रूर गलती करेंगे, और उस गलती का वेट करो, ये गलती करेंगे और उसके बाद मैं जमानत मिल जाएगी मुझे। और इन्होंने वाकई वो गलती कर दी। इन्होंने जिस तरह से मुसलमान बता के मेरा फ़ोटो वायरल कर दिया, और ये चीज़ साबित हो गई। 2000 साल पुराना मैंने दस्तावेज कोर्ट में वहाँ पे हाजिर किया, सारे दस्तावेज मेरे देखे गए, जिसमें कि पता चला कि मैं कितने ही सदियों से, पीढ़ियों से एक हिंदू हूँ। और ये चीज़ वहाँ पे क्रैश हो गई, और वहाँ पे ये चीज़ निकल के आई कि ये पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से उसको लेके मेरी बात साबित हो गई कि अंधभक्त जो मुझे पर्सनल, मेरी फैमिली को अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं, उसी का नतीजा है कि मैं अंधभक्तों की तबीयत से लेता हूँ। और ये चीज़ वहाँ पे प्रूफ होने के बाद मेरा केस हल्का हो गया, और उसके बाद मैं बाहर हूँ आज। और मैं उनके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ये मुसलमान वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाया होता तो शायद मेरी जमानत नहीं हो पाती, मैं लगातार 2-3 साल तक जेल में रहता था। लेकिन ये आप अंधभक्तों की मेहनत है जो इस तरह से वायरल किया और उसका फ़ायदा मुझे मिला। इसके लिए मैं आप अंधभक्तों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज मैं खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। और जिस तरह से मीडिया में चलाया गया, खास करके सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाले भाई साहब, मुझे लगा था कि मैंने जो आपको पिछली बार बर्नौल का जो ट्यूब दिया था ना, उससे आपकी जलन कम हुई होगी। और आज देखिए, आप फिर से मेरा जो नाम ले लेके आपने जिस तरह से देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश की। देखो, देश का दुर्भाग्य क्या है, देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि एक हफ्ता मांगने वाला व्यक्ति, 100 करोड़ की घूस मांगने वाला व्यक्ति, तिहाड़ में जाके घुसखोरी के नाम पे जेल जाने वाला सुधीर चौधरी तिहाड़ी, वो दूसरे को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहा है। अरे सुधीर भाई, मैं आपके जैसे हफ्ता मांगने के इल्ज़ाम में जेल नहीं गया था, मैं आपके जैसे देश को बेचने का, पत्रकारिता के नाम पे देश को बेचने के लिए पैसे मांगने के लिए जेल में नहीं गया था। मैं जेल में गया था क्योंकि मेरे मजदूर भाई भूखे थे। मैं जेल में गया था कि उनके घर पे राशन का एक दाना नहीं था। मैं जेल में गया क्योंकि मुझे उन मजदूरों को भूखे मरते नहीं देखना था। यही फ़र्क है आप में, एक दलाल पत्रकार में और एक विनय दुबे में। और मुझे लगा था कि पिछली बार जिस तरह से आपने दिल्ली चुनाव में जनता को ये कहा था, क्या कहते हैं, कि मुफ्त खोर है दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल की चुनाव जीतने के पहले, उसके बाद मैंने आपको बर्नौल गिफ्ट किया था। मेरी वीडियो YouTube पे है, जिसको चाहिए वो देख सकता है। मुझे लगा था आपकी जलन कम हो गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बड़ी वाली ट्यूब भेजनी चाहिए थी। और टेंशन मत लीजिए, बिंदास टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ दिनों में कुरियर करने की कोशिश करता हूँ आपको, एक बड़ा वाला 1 किलो का बर्नौल भेजता हूँ। लगाओ सुधीर भाई, आपको आराम मिलेगा। और विनय दुबे ऐसे ही लेता रहेगा, जहाँ पे भी गलत होगा वहाँ पे विनय दुबे आवाज़ उठाता रहेगा। और तुम जैसे लोग ना तो देशद्रोही का शब्द ही मत बोलो रे, तुमसे जैसा बिकाऊ देश को बेचने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। तिहाड़ जाओ तुम, 100 करोड़ की घूस मांगो तुम, और देशद्रोही मैं। मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोह है। अगर मजदूरों की आवाज़ उठाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। अगर किसी को भूखे को पेट को राशन दिलाना देशद्रोही है तो मैं हूँ। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि बहुत सारे मजदूरों ने जगह जगह वीडियो बना के पोस्ट किया, डाला कि आज उत्तर भारत के, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने, कि कोई तो है विनय दुबे करके जो हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए वहाँ पे खड़ा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में पूरे देश में भूचाल ला के छोड़ा है, तब कहीं जाके सरकारें जागी हैं, तब कहीं जाके ये ट्रेनें और बस चलाने की बात शुरू हुई है, नहीं तो ये लोग यहीं भूखे मर जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे जो मराठी भाई हैं, जो मेरे करीबी लोग थे, मतलब करीबी नहीं कह सकते बट एक जानकार थे, वो लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा। मुझे एक बात बताइए, वो लोग महाराष्ट्र के संकट में भागने वाले लोग नहीं हैं,
वो यहीं पे मजदूरी करते थे, महाराष्ट्र को एक नंबर बनाने में उन्होंने काम किया। वो कभी भी कोई भी भागना नहीं चाहता है, लेकिन जब बात परिवार की, जब बात भूखे पेट की होती है ना, तो सबको अपना गांव समझ में आता है, जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र से बहुत सी परिवार कोंकण अलग अलग जिलों में गए क्योंकि उनका परिवार वहाँ पर था। वही इंसानियत, वही परिवार की जो माया है, जो प्रेम है, वो सबके अंदर होती है। जो लोग 2,000 किलोमीटर दूर आके फंसे हैं, अटके हैं, ये उनके लिए ज़रूरी था कि उनके परिवार के बीच वो जाएँ, भले वहाँ पे उनके साथ जो हो जाए लेकिन चलेगा, लेकिन वो जाना चाहते थे। और ये मेरा आंदोलन नहीं था, वो या मैंने उनको नहीं भड़काया था, ये मजदूरों के दिल की आवाज़ थी, वो अपने परिवार के बीच जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बिनय दुबेर फेसबुक लाइवर 30 मिनटर ये भिडियोर परवर्ती अंश देखुन आगामीकाल। तो आपातत यह पर्यन्त, बिनय दुबेर परवर्ती अंश देखार जन्य चोख रखुन आमादेर निउज निर्भीक यूट्यूब चैनले। धन्यवाद।